बीप वहां बजाई जाती है जहां गाली दी जाती है। तांडव के पहले एपिसोड में भगवान शंकर पर दिखाया गया दृश्य ही भगवान शिव और देवर्षि नारद जी को अमर्यादित ढंग से बोलते हुए दिखाया गया। तांडव का विवादित सीन हटाया जाएगा। देखिए, हमारी एकता की विजय हुई है, हमने उन्हें वह दृश्य हटाने को विवश कर दिया है। खुशियां मनाइए, प्रसन्न होइए, आह्लादित होइए। हम कितने भोले हैं ना, हम छोटी छोटी बातों से बहल जाते हैं और हिंदू घृणा से परिपूर्ण एक इकोसिस्टम अपने घृणित उद्देश्य को पूरा कर लेता है। नमस्कार, अमन नाम है मेरा और आप रियलिटी देख रहे हैं जिसमें मैं आपको घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी बताता हूं और आज आपको बताऊंगा कि तांडव के विवाद के पीछे कैसे एक इकोसिस्टम है जो कई वर्षों से प्लेटफार्म बदलकर हिंदू घृणा का काम कर रहा है और धीरे धीरे धीमे जहर की भांति युवाओं के मस्तिष्क में उतरकर संस्कृति के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। इस धीमे और लंबे समय से चल रहे षड्यंत्र को समझने के लिए पहले आप एक इस रिसर्च को समझिए। IIM अहमदाबाद ने 1950 से 2010 तक की टॉप 100 फिल्मों पर रिसर्च की और उसमें उन्हें जो परिणाम प्राप्त हुए वे चौंकाने वाले थे। फिल्मों में जाति धर्म के आधार पर रोल दिए गए। हर दशक की 50 बड़ी फिल्मों के रिसर्च से पता चला कि 74% सरदारों को बेवकूफ कॉमेडियन, 58% ब्राह्मण किरदार भ्रष्ट नेता के रूप में, 62% वैश्य की भूमिका भ्रष्ट बिजनेसमैन की, 88% छत्री के किरदार में गुंडे बदमाश और ऐसी ढेरों बातें जिसमें पुजारियों को गलत भावना से प्रेरित, मंदिरों को व्यवसाय का माध्यम बताया गया और फिल्मों में 84% मुस्लिमों को ईमानदार और भोला बताया गया। इससे समझिए, हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन अब ये इकोसिस्टम केवल फिल्मों तक नहीं बल्कि टीवी चैनलों तक, टीवी सीरियल्स तक, वेब सीरीज, स्टैंड अप कॉमेडियन और सोशल मीडिया के सभी नए प्लेटफॉर्म से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, हिंदू संतों का अपमान करने का और उन्हें निम्न स्तरीय दिखाने का कार्य जम के कर रहे हैं और इस इकोसिस्टम के सभी तंत्र एक सर्कल बनाकर यह कार्य करते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं। तांडव के पहले एपिसोड में भगवान शंकर पर दिखाया गया दृश्य इसी का उदाहरण है। दृश्य क्या दिखाया गया है ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सीरीज के पहले एपिसोड में ही भगवान शिव और देवर्षि नारद जी को अमर्यादित ढंग से बोलते हुए दिखाया गया। भाषाई स्तर की निम्नता को समझाने के लिए बीप का उपयोग किया गया। बीप वहां बजाई जाती है जहां गाली दी जाती है। तो लेदे के बात यह हुई कि भगवान महाकाल को यहां पर गाली देते हुए बताया गया है। JNU की तर्ज पर VNU यूनिवर्सिटी को बताया गया है जहां आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे JNU के आपको याद होंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हिंदुत्व की गाली भी आपको याद होगी। जिस JNU में कश्मीर को भारत से अलग करने और भारत से कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए गए उसे कवर करने के लिए यहाँ पर नारों को बदल दिया गया है और उन्हें बचाया जा रहा है। तांडव पर बवाल के बाद उसके विवादित दृश्यों को हटाने का फैसला तो लिया गया है, किंतु क्या इतना काफ़ी है? क्या निर्माताओं को शूट के समय पता नहीं चला कि इससे धार्मिक भावनाएँ आहत होगी? क्या केवल 5 सेकंड का एक डिस्क्लेमर दे देने से यह बात समाप्त हो जाती है? डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि दृश्यों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि दिख रहा है कि वास्तविकता का ही संबंध है। डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ तो उसी प्रकार हुआ कि किसी को गाली दे दो, अपशब्द कहो और बाद में कह दो कि हमारा तो उद्देश्य आपको गाली देना था ही नहीं। हाल ही में तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का विवाद ले लो, तनिष्क ज्वेलर्स का विज्ञापन ले लो, आश्रम वेब सीरीज का उदाहरण ले लो या किसी भी क्षेत्र का उदाहरण टीवी से लेकर डिजिटल तक, ये सब उसी इकोसिस्टम के बंधे हुए उदाहरण हैं। हिंदू घृणा और संस्कृति के नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाले इस इकोसिस्टम को डैमेज करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इनके बायकॉट की आवश्यकता है, इन्हें एक्सपोज करने की आवश्यकता है।
इस पूरे तंत्र के घणित उद्देश्यों को विफल करने की आवश्यकता है, वरना जैसे IIM अहमदाबाद के फिल्मों के रिसर्च में परिणाम मिला, वैसा ही परिणाम या उससे भी अधिक चौंकाने वाले परिणाम वेब सीरीज, विज्ञापन और कॉमेडी और गोष्ठी के रिसर्च पर मिलेंगे। जो व्यक्ति जहां है जैसा है अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका विरोध करे, बायकॉट करे, और सरकार को भी वेब सीरीज के लिए गाइडलाइन तय करना चाहिए, केवल वेब सीरीज नहीं सभी प्रकार के विषयों के गाइडलाइन बनाना चाहिए, और धार्मिक भावनाएं आहत करने पर कठिन कार्रवाई का प्रावधान भी करना चाहिए। धन्यवाद।